अच्छी बात है, ये अच्छी बात है हितेन। हितेन ये अच्छी बात है कि यस और नो वाला प्लेकार्ड तो कम से कम नहीं होगा, बातचीत के मूड में है। और यही बात सरकार की तरफ से भी कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि किसान अगर किसान के मन से यहाँ पर आए, खुले मन से आए, तो आज ही बातचीत से कुछ समाधान निकल सकता है। तो ये अच्छा संकेत, सकारात्मक संकेत इसे प्रिया कह सकते हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि यस और नो से नहीं, हम बातचीत के फेवर में। ये अच्छा संकेत है। यही हो रहा था, प्ले कार्ड लेकर के जा रहे थे यस और नो, कानून रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सातवें दौर की जो वार्ता हुई है ना, उसमें बातचीत हुई है, एक्चुअल में जिसे कहते हैं ना टेबल टॉक होना, बैठ करके आपने बात की है, चलिए हमारे ये पॉइंट है और इन सारे पॉइंट पे हमें आपत्ति है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि काला कानून है। अब सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया, ठीक है हम आपको संशोधन कर देते हैं और इसको एड ऑन कर दिया जाता है, इस चीज को हम कानून से हटाएंगे। लेकिन इसके अलावा किसान जब आज निकले, तो देखिए आज से पहले भी तस्वीर इस तरीके की नहीं आई थी, सातवें दौर की वार्ता में भी नहीं, कि मुंह मीठा करा करके निकले और निकलने से पहले विक्ट्री साइन वहां पर दिखाया है। और जिस बस में हमारी सहयोगी मल्लिका और हितेन भी सवार है, लगातार उन नेताओं से भी बात कर रहे हैं। आज भी अब बैठक होगी और फिर बैठक के बाद किसी नतीजे पे यह आंदोलन आज पहुंचेगा, क्योंकि दो चीजें होंगी, या तो समाधान होगा या पूरे देश भर में आंदोलन तेज होगा। क्योंकि लगातार इन लोगों की जो किसान नेता है, किसान है, उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, अगर आप लेकिन जो बात मांगे नहीं मानी, जो प्रिया तो कही जा रही है कि एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार राजी हो गई, हालांकि सोर्सेस के हवाले से ये खबर है, आज अगर वो लिखित गारंटी सरकार देने को राजी हो जाती है तो क्या किसान नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि 30 तारीख को जहां पर वार्ता छूटी थी, उसके बाद कुछ नेताओं ने कहा कि देखिए जिन दिन दो बिंदुओं को सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं या फिर समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मामूली बिंदु थे, सरकार तो अभी तक लिखित में भी सैद्धांतिक रूप से भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर अगर आज बातचीत की मेज पर सरकार ये लिखित आश्वासन देती है तो शायद लगता है कि किसान संगठन के नेता कुछ हद तक मानने को राजी हो जाए। देखिए राकेश टिकैत ने भी ये कहा था, या बाकी जो किसान संगठन के नेता हैं उन्होंने भी ये कहा था कि आज जो बातचीत हुई है वो 40% तक हुई है, 40% तक बातें अभी इन्होंने सामने रखी हैं और बाकी चीजें अभी सामने रखनी बाकी है। इसमें एमएसपी को लेकर के, क्योंकि कोई भी किसान नेता या किसान बात करता है तो एमएसपी को लेकर के जिक्र जरूर कर रहा होता है वो, तो एमएसपी को लेकर के आज जब टेबल टॉक शुरू होगी तो सबसे पहले यही कहा जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव पेश किया जाता है, क्योंकि एमएसपी को करके पहले दिन से इनका यही रुख रहा है कि एमएसपी पर आप हमें लिखित में गारंटी दे दीजिए, कानून के तहत इसको लेकर के आइए। हर्षा, हर्षा का रुख करेंगे, बड़ी खबर है उनके पास। क्या सोल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सोल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे, अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करने हैं, वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा, तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा? ठीक, भवन पे इस वक्त मैं और शालिनी मौजूद है और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है जी हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव खबर, वो ये है कि किसानों को मनाने में जुटी है सरकार, साथ ही एमएसपी पर आज कोई ठोस प्रस्ताव किसानों को दे सकती है सरकार। आज की बातचीत में राजनाथ सिंह के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। शालिनी, इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह के बैठक में होने की बात है, किसान भी शुरुआत से कहते आए हैं कि राजनाथ सिंह को होना चाहिए, उन्हें किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें किसानों से मिलना चाहिए, किसानों के मन की बात उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझ सकता। साथ ही साथ जो बात निकल के आ रही है कि एमएसपी पर ठोस प्रस्ताव दे सकती है सरकार, इसका मतलब ये है कि आज सरकार ने अगर एमएसपी पर किसानों को आश्वस्त किया और कुछ ठोस बताया, ठोस प्रस्ताव दिया, तो शायद ये चांसेस है, बहुत ही कम, लेकिन ये चांसेस है कि किसान आंदोलन वापसी को मान जाए। शालिनी, देखिए राजनाथ सिंह के बैठक में शामिल होने पर एक सकारात्मक पहल यहाँ पर हो सकती है और कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन प्रत्योष, उसके पहले आप जो बातें कह रहे थे और ये जो हमारे पास बड़ी खबर आई है, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक चीज में दुरुस्त यहाँ पर करना चाहूंगी प्रत्योष, क्योंकि इसके पहले आप ये कह रहे थे कि अगर सरकार कोई आश्वासन दे दे एमएसपी को लेकर के, तब आज किसान मान सकते हैं। देखिए दोनों बातों में फर्क है, बार बार किसान ये कह रहा है कि एमएसपी का कानून बना दो, हमें एमएसपी कानूनी तौर पर चाहिए।
चाहिए और सरकार ये कह रही है कि कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए हमें वक्त चाहिए और इसीलिए कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। इसीलिए जब तक कानूनी रूप से एक अमली जामा नहीं पहना दिया जाता है इस MSP को, तब तक ऐसा लगता नहीं है कि कोई कोई और निश्चित रूप से जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सोल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सोल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लास बाय क्लास चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करने हैं वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा, तो आज डिस्कशन सिर्फ MSP पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा? जो बातें उन्होंने पिछली बैठक के बाद कही थी आज वो थोड़ा सा सकारात्मक ज्यादा नजर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आज की बातचीत में समाधान निकलने की पूरी उम्मीद। इससे पहले हमने नरेंद्र सिंह तोमर को ये कहते हुए नहीं सुना है, किसानों की तरफ से जरूर ये बातें शालिनी कही जाती रही हमेशा कि हमें पूरी उम्मीद है, हम इस पूरी उम्मीद के साथ आ रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच के साथ आ रहे हैं, लेकिन सरकार आज कह रही है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम समाधान निकाल लेंगे। हम MSP को लेकर जो ठोस प्रस्ताव की बात कही जा रही है, आपको लगता है शालिनी की MSP पे क्या ठोस सरकार दे सकती है? क्योंकि सरकार लिखित में देने को तैयार है लेकिन किसान मान नहीं रहा है। सरकार कानून बनाने को लेकर विचार विमर्श करी तो आखिरकार ऐसा कौन सा ठोस प्रस्ताव देगी किसान को कि किसान आंदोलन अपना वापस ले ले? शालिनी, ये मुझे लग रहा है अभी पत्ते सरकार की तरफ से खोले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब अभी नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे थे, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि बैठक होगी, बात होगी, तो क्या सिर्फ MSP को लेकर के होगी या बाकी बिंदुओं पर भी होगी, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यही बात कही कि बात अगर होगी तो हर बिंदुओं के ऊपर होगी, हर पहलू के ऊपर होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा यह अभी शायद सरकार बताने की स्थिति में नहीं है मुझे लग रहा है हर्षा। क्योंकि देखिए आप कानून अगर किसी भी चीज के ऊपर बनाते हैं वो भी MSP जैसी बात जिसमें अब एक तीसरा शख्स भी शामिल हो जाएगा, MSP पर कानून का मतलब है थर्ड पार्टी भी अगर खरीदेगी किसानों से अन्न तो उसे भी MSP देना होगा, और इसलिए सरकार बार बार ये कह रही है कि MSP पर कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कानून बनाने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा, हमें कानूनी पहलुओं के ऊपर चर्चा करनी होगी, हमें इससे जुड़े राय मशवरे करने होंगे, और इसलिए सरकार बार बार ये कह रही है एक कमेटी का गठन हम कर दे ताकि वो कमेटी आगे इसके ऊपर विचार भी करता रहे और वो जो वक्त लगेगा। देखिए कानून ऐसा नहीं है कि आज रातों रात बन जाएगा, यहाँ किसानों के साथ उसी टेबल टॉक में बैठ करके सरकार कानून बना दे, लिखित रूप में दे दे, ये संभव नहीं है, इसीलिए थोड़े वक्त की मांग सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन हमेशा जो किसान नेता है वो यही कह रहे हैं आपको जितना वक्त चाहिए आप उतना ले लीजिए, क्योंकि आंदोलन के लिए तो हम तैयारी के साथ आए हैं, आपको 3 महीने का वक्त लेना है ले लीजिए, हम तो 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं, आपको 6 महीने का वक्त लेना है ले लीजिए। एक पॉइंट और है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी MSP का जिक्र है, अगर किसान ये भी कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट वैसे के वैसे ही लागू कर दी जाए तो शायद वो इतना आसान हो, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले आई थी, आज अगर लाया जाता तो उसमें भी शायद कुछ चेंजेस करने होते हैं। देखिए राकेश टिकैत से लेकिन जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं 1968 को आप आधार मान लीजिए, आधार वर्ष मान लीजिए, और उसके हिसाब से आप अन्न का दाम तय कर लीजिए, हालांकि अलग अलग नेता अलग अलग राय, लेकिन फिलहाल जो बस में नेता मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर वो क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं हितेन और मल्लिका का, क्योंकि वो उसी बस में सवार होकर के किसान नेताओं के साथ यहाँ विज्ञान भवन तक पहुंच रहे हैं, तो मल्लिका और हितेन ओवर टू यू। बिल्कुल शालिनी, देखिए अभी अगर बता दें आपको तो ISBT बस अड्डा बस जो है क्रॉस कर चुकी है, और ITO वाला जो ब्रिज है वो ब्रिज पे भी बस लगभग चढ़ चुकी है, 15 से 20 मिनट और ये बस जो है सीधे विज्ञान भवन पहुंचेगी जहां पर आप लोग मौजूद है, उसके बाद आप भी इन किसान नेताओं से बात कर पाएंगे, उनकी राय ले पाएंगे कि आखिरकार 1 घंटे बाद जब मीटिंग शुरू होगी, नरेंद्र सिंह तोमर ने सर बयान दिया है कि एक हम भी हर रोज़ एक उम्मीद के साथ पहुँचते हैं कि आज समाधान निकल जाए। आज कर दें, खुले मन से आके ऐलान कर दें, 1 घंटे में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, हम वापस आएंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम घरों को चले जाएंगे, इतनी अच्छी बात होगी, हम तो चाहते हैं। और हितेन
बैठक के बाद भी जलेबी खा रहे होंगे? हमने दूध भी पिया बादामों वाला और जलेबी भी खाया है। आज हम कोशिश करेंगे, हम उनको भी जलेबी खिला देंगे, जी हमारी बात मान लेंगे, उनको भी जलेबी खिलाएंगे और दूध भी खिलाएंगे। लंगर तो शिकाना पिछली बार भी हमने शिकाया, आज हम उनका मुंह मीठा कराएंगे, जलेबी खिलाएंगे। अच्छा एक बात ये मैं जानना चाहूँगा कि देखिए एमएसपी पर सरकार आज कुछ लिखित में दे सकती है, ये संकेत दिए हैं, तो क्या उससे बात बनेगी? नहीं, लिखित में तो वो पहले ही बोल चुकी है, अभी हम लिखित में हम कानून चाहते हैं, वहाँ उस पर कानून बनाए 23 फसलों पर जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं। हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं, हम कहना मैक्सिमम मांग रहे हैं, न्यूनतम पर कानून बना दे, हमें दे दे कानून बना के। लिखित में हम भरोसा नहीं करते, हमने एक दो बार भरोसा इनका गवाया है। स्वामीनाथन का इन्हें बोला था हमारे साथ सरकार बना ली, फिर 2018 में हमने किसान क्रांति यात्रा निकाली, वहाँ भी हमने इन्हें भरोसा दिया हम 23 फसलों का एमएसपी देंगे, लिखित में हमें दिया था 2018 में जब हम यूपी से तरह से हरिद्वार से किसान यात्रा पर वो भी बुक कर गए विजय लोग। हम लिखित में भरोसा नहीं करेंगे। आज आपने घर वालों से बात करी बैठक में जाने से पहले, क्या कहते हैं पंजाब में लोग, क्या कह रहे हैं? कितनी लोग तो डटे हुए हैं, लोग तो बोलते हैं ये 3 कानून रद्द जितनी देर होते नहीं हम जाएंगे नहीं, आज कर दे रद्द फिर हम चले जाएंगे, पार्लियामेंट बनाकर स्पेशल सेशन पास कर दे, उसमें नवा कानून बना दे एमएसपी पर। हमारे बच्चे कहते हैं माता हो जहाँ पर जहीं रुकी रहो, ले गई और कानून वापस करा के आना, नहीं माता ना आपने। देखिए हर कोई कहता है कि किसान की जीत हो और हम भी यही कह रहे हैं, जी हिंदुस्तान भी यही कह रहे हैं, 40वां दिन है सर, लेकिन सरकार ने साफ साफ कहा था कि कानून बनाने के लिए वक्त चाहिए, उसके लिए आप पहले कमेटी के लिए मंजूरी दे दीजिए, तो आसानी से सरलता से बातचीत के जरिए कानून भी बना सकते हैं। हम कह रहे हैं हम इनको रिपील कर दो, कानून वापस ले लो, फिर हम कमेटी एक बना लेंगे और इसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे और गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी वहाँ होंगे, वो कमेटी फैसला कर लेगी, बैठ के नए कानून बन जाएंगे, इसमें क्या? लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कमेटी बन जाए और उसके बाद आंदोलन भी यहाँ पर आप स्थगित कर दे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम कमेटियां बना के अभी देख ली, स्वामीनाथन की कमेटी को कितने साल हो गए, जो हम कमेटी पर अब कोई विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सर यहाँ तो फिर ये हो रहा है ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो तो होएगा ही, वो तो करेंगे ही, कोई बात नहीं, हम डटे हुए हैं इतने दिन से, आज 40 दिन यहाँ हो गए, 3-4 महीने पंजाब में सड़कों रेलों ट्रेनों पर बैठे हैं, और जो तो हम लेके जाएंगे। विज्ञान भवन पर भी शालिनी और हर्षा लगातार बने हुए हैं, ये बस सीधे वहीं पर पहुंच रही है, तो वहां पर किस तरह की हलचल है उसके लिए सीधा रुख करते हैं शालिनी और हर्षा का, ओवर टू यू। बिल्कुल मलिका, और आप लोग जब किसान नेताओं से बात कर रहे थे तो मैंने सुना एक किसान नेता ये कह रहे हैं कि पिछली बार हमने उन्हें अपना लंगर चखाया था, इस बार हम उन्हें जलेबी भी खिलाएंगे, ये किसान नेता कह रहे थे। अच्छा जलेबी का रंग हर्षा इस बार क्या है ना, हरे रंग का है। हरे रंग को मैं पंजाब से अगर कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हर्षा बोलूं तो हरित क्रांति जब हुई थी तो पंजाब का सबसे बड़ा योगदान और सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने मेहनत की, और इसीलिए हमेशा पूरा देश कहता है, सरकार ये कहती है कि हरित क्रांति में जान फूंकने वाला वो पंजाब और वहां किसान उनके हम सब ऋणी है, और देखिए उसी ऋण को आज तक भारत चुका रहा है क्योंकि पंजाब के किसानों से सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी होती है, तकरीबन 70% जो धान और गेहूं खरीदा जाता है वो पंजाब के किसानों से ही सरकार खरीदती है एमएसपी पर, बाकी जो राज्य है वहां से इतनी ज्यादा खरीदी नहीं होती है। अब ये हरी जलेबियां क्या आज कुछ रंग दिखा पाएंगी, क्योंकि पिछली बार जो लंगर था हर्षा उसने 50% मांगे पूरी कर दी, तो आपकी क्या ये हरी जलेबियां जो आ रही है सरकार के लिए और मंत्रियों के लिए उससे चमत्कार क्या हो पाएगा? देखिए शालिनी आपने तो जलेबी को हरा रंग दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ आज जलेबी नहीं, किसान आज सुबह से हरी जलेबी वहाँ पर खा रहे हैं, वो आज पीला और नारंगी रंग नहीं दिखाई दे रहा है, हरी जलेबी है। तो आज अगर ये हरी जलेबी है शालिनी, तो मैं चाहती हूँ आज हरी जलेबी का जो स्वाद है ना वो इतना मीठा हो कि सरकार भी अंदर मीठी बातें करो, किसान जब बाहर निकले ना तो वो भी मीठा बोल दो ये बाहर निकले कि भाई हमारी बात मान ली सरकार ने, सरकार ने जो हमें समझाया हम भी दो स्टेप आगे आए, सरकार भी दो स्टेप आगे आई, हम आंदोलन खत्म करने को तैयार है। शालिनी मुझे लगता है कि लगातार इतनी वार्ता कवर करते करते ये 8वीं दौर की वार्ता है जो हम कवर कर रहे हैं, 40 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, पिछली बार भी हम यही कह रहे थे कि हमें नहीं देखनी बस यहाँ विज्ञान भवन के बाहर, हम चाहते हैं कि नया साल किसान घर पे बनाए, किसान ने नया साल यही मनाया, हालांकि बारिश हुई, तेज बारिश हुई, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी, किसान ने सब कुछ बर्दाश्त
बर्दाश्त किया, लेकिन किसान यही कह रहा था कि हम दुखी इस बात से हैं कि हमें हमारी मांगे सरकार मान ले। गाजीपुर का हमें रुख करना है क्योंकि प्रत्युष और प्रिया लगातार वहां पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर से चली हुई बस यहां 15 मिनट में पहुंच जाएगी, ये हितेन ने बताया। इसी तरह से गाजीपुर से जो राकेश टिकैत साहब निकले हैं, मुझे लगता है हर्षा वो भी यहां पर पहुंच जाएंगे 15 से 20 मिनट में। लेकिन हलचल गाजीपुर पर क्या है ये प्रत्युष और प्रिया हमें बताएंगे। प्रत्युष प्रिया, ओवर टू यू। देखिए सिंघू से अब हितेन भी जलेबी का जिक्र कर रहे थे, हरे रंग की जलेबी किसान भाइयों ने दिखाया। आप लोग जलेबी के बारे में, हरे रंग के बारे में डिस्कस कर रही थी। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर हैं वो ये चाहते हैं कि अब जलेबी की तरह ये घुमावदार बातचीत जो है ना, जो आठवें दौर में पहुंची है, अब इसका कोई अंत हो जाए, जलेबी फाइनल एक शेप ले ले कि बस हाँ इतनी बड़ी ये जलेबी है और ये मीठी जलेबी है, यही पूरा देश चाहता है। और आज जिस उम्मीद के साथ किसान निकले हैं, और अभी हमने दिखाया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि हर विषयों पर, हर बिंदु पर आज चर्चा होगी और उम्मीद है कि कुछ समाधान निकलेगा। इसका मतलब प्रिया की कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला है जो सरकार अभी रिवील नहीं कर रही है, डिस्क्लोज नहीं कर रही है, वो सीधे मीटिंग में रिवील करेगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि किसान नेता लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, सातवें दौर की बातचीत हो गई है, अब उन्हें भी ये अंदाजा लग गया है कि किस तरीके से सरकार क्या बातें कह रही है और आज जब वो टेबल टॉक के लिए जाएंगे तो किन बिंदुओं पर बात छोड़कर आए थे और कहां से आज बात को आगे बढ़ानी है। और उसमें जो प्रमुख है वो एमएसपी है, और लगातार सिंघू बॉर्डर से जो बस रवाना हुई उसमें हितेन और मल्लिका है वो बातचीत कर रहे हैं उन किसान नेताओं से। उनका साफ कहना है कि देखिए एमएसपी को लेकर के हमने बात की थी, आप इसको लिखित में दे दीजिए, हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, इस पे सरकार की रजामंदी होनी ही चाहिए क्योंकि वो हमारा अधिकार हमारा हक है, हम तो मैक्सिमम मांग भी नहीं रहे। तो यहीं से बात शुरुआत होगी और सिर्फ 15 मिनट का इंतजार और करना होगा क्योंकि विज्ञान भवन पर 15 मिनट में उन किसान नेताओं की बस पहुंचेगी और राकेश टिकैत भी जो गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं वो भी तकरीबन 20 मिनट में वो पहुंच जाएंगे विज्ञान भवन और फिर वहां रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ये तमाम किसान नेता अंदर भी जाएंगे, मीडिया से भी बात करेंगे और जी हिंदुस्तान की टीम भी वहां मौजूद है। तो एक बार फिर ये सवाल उठेगा कि आज जिस उम्मीद से आप निकले हैं वो उम्मीद जो आशा है आपकी वो आज सफल होती है या नहीं, क्योंकि हमें भी उस दिन का इंतजार है। प्रत्युष की पूरा मसला मसला आकर के अटक जाता है एमएसपी को एक्ट बनाने को लेकर। किसान कह रहे हैं कि उसको आप कानूनी जामा पहना दीजिए, उससे नीचे कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार कह रही है कि ये आसानी से एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए समय चाहिए, हम वो लिखित में आपको देने को तैयार है। सवाल है कि क्या तो वो लिखित आश्वासन को किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये सरकार की तरफ से तभी तो कहा गया था जब इन्होंने सवाल खड़े किए थे कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, तभी सरकार की तरफ से प्रस्ताव दे दिया गया, ठीक है हम कमेटी का गठन कर देंगे, आप नाम सुझा दीजिए। तो अब सरकार अगर कानून बनाने की बात यहाँ पर कहेगी जिस तरीके से एमएसपी को लेकर के कहा जा रहा है कि लिखित में हम देने को तैयार, उसके लिए भी सरकार को वक्त देना होगा इन किसान नेताओं को। उसके लिए देखिए एमएसपी के लिए इन किसानों को कहना है कि कुछ और फसलों को भी उसमें इंक्लूड करना है, फिर आपको उसके दाम तय करने, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होगा, एक पूरा एक प्रोसेस होगा और इसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होगा। चलिए आप एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। देखिए सिंघू बॉर्डर से तो निकल चुके हैं हमारे सहयोगी उस बस में सवार है जो इस वक्त सफर तय कर रही है, जो विज्ञान भवन पे जाकर के वो बस रुकेगी। ओवर टू यू हितेन और मल्लिका, कहां पहुंचे आप लोग, कितनी देर में बस पहुंच रही है विज्ञान भवन? देखिए दिल्ली गेट प्रिया ये बस जो है पहुंच चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं यानी कि आईटीओ की बत्ती पे एक मिनट में पहुंच जाएंगे और वहां से करीबन अगर विज्ञान भवन की बात करें मल्लिका तो गिनती का समय 3 से 4 मिनट में ये बस जो है, हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल साथ में है तो 5 मिनट के भीतर जो है विज्ञान भवन ये बस पहुंचेगी और उसके बाद काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी बैठक से एक घंटा पहले पहुंचे थे, आज भी बैठक से हम करीब 1.25 घंटा पहले ही पहुंच रहे हैं क्योंकि आज की बैठक पर सबकी निगाहें बनी हुई है, इसलिए लगातार हम भी सुबह से आपको पल पल की हलचल बॉर्डर से दिखा रहे थे और जब से ये बस वहां से रवाना हुई है मैं और हितेन इस बस में मौजूद है और यहाँ पर जो किसान नेता है जो आज काफी खुशी के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, उनसे एक बार फिर से जान लेते हैं। अब कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, फिर मीटिंग होगी उसके बाद। कितनी देर लगता है आज मीटिंग चलेगी? मीटिंग का कोई पता नहीं कितनी देर चलेगी, पिछली बार तो हमने देखा था कि शाम को जाकर 6 घंटे चली थी। सरकार अभी थोड़ा लारे लप्पे में है ना, अभी टाल मटोल की नीति पर चलती है, नहीं तो कोई बात नहीं 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। वो रद्द कर दे कानून, ऐलान कर दे आज, रद्द हो जाए कानून, हम खुशी खुशी आ जाए
हमें कोई जल्दी नहीं, हमें तो भावे सारी रात बिठाई रखने, हमारा तो काम होना चाहिए, हमारे तो कानून वापस होने चाहिए, हमारे तो एमएसपी और कानून। तो विज्ञान भवन में कितने दिन कहीं वहीं बैठे रहे? तो विज्ञान भवन में शालिनी और हर्षा लगातार बने हुए हैं। हम हमारी बस शालिनी हर्षा अब 5 मिनट के अंदर अंदर आपके वहां पहुंच जाएगी विज्ञान भवन पर, जहां आप दोनों मौजूद हैं। वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही है, दिखाइए जरा दर्शकों को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इतिन मलिका, हम और शालिनी यहाँ पर मौजूद है, हम इंतजार कर रहे हैं मलिका इतिन, हम इंतजार कर रहे हैं कि आज जिस बस में आप सवार हैं किसान नेताओं के साथ, आप कब तक पहुंचेंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरे जितना मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ विज्ञान भवन के बाहर है। शालिनी हर कोई इंतजार कर रहा है कि आज किसान नेता कब पहुंचेंगे, आज क्या कहते हैं। हालांकि कई सारी बातें इतिन मलिका आप लोगों को किसान नेताओं ने बस में ही बता दी है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि कुछ ही समय का वक्त और बचा है, आप लोग यहाँ पर होंगे, जिसके बाद कई किसान नेता बताएंगे हमें आकर के आज का रुख, आठवीं वार्ता की, आठवीं दौर की जो वार्ता आज उसमें क्या रुख रहने वाला है। शालिनी बेहद इंटरेस्टिंग बात है, किसान नेता जब जब यहाँ पर पहुंचते हैं बेहद पॉजिटिव होते हैं, अंदर जाने से पहले हम लोग को भी पूरी पॉजिटिविटी देकर जाते हैं, पूरा मोटिवेट करके जाते हैं कि जब हम बाहर आएंगे मैडम आज तो आपको अच्छी खबर मिलेगी, आज तो हमको भी उम्मीद है कि अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन जब बाहर आते हैं तस्वीरें चीजें बातें सब उलट होती है, हम जो सोच रहे होते हैं उससे बिल्कुल उलट होती है। क्या लगता है शालिनी आज आठवें दौर की वार्ता किस लिहाज से रहेगी, क्योंकि आज सारी की सारी बातें सिर्फ एमएसपी पर होनी है और कानून रद्द करने को होनी है शालिनी? बिल्कुल, मुझे लगता है उम्मीदें आज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार भी जो 50% मांगे मानी गई थी हर्षा, उसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बैठक से बाहर निकले किसान नेता और उनकी कुछ मांगे मान ली जाए, लेकिन पिछली बार हमने वो देखा, हो सकता है आज कुछ और सहमति बन जाए। बहरहाल ये वो रास्ता है जहां से बस आएगी, जिस बस में सवार है हितेन और मलिका और जिसमें किसान नेता सवार है, इधर से ही वो बस यहां अंदर घुसना शुरू होगी। उसके पहले आप देखिए बैरिगेट्स विज्ञान भवन के बाहर भी लगे हुए आपको दिखाई दिए हैं, और आपको सुरक्षा बल भी खड़े हुए दिखाई देंगे, मीडिया कर्मियों का भी बड़ा जमावड़ा यहां पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी रास्ते से हितेन और मलिका यहां आएंगे बस के जरिए, और हितेन मुझे लगता है अब 10 मिनट का वक्त या उससे भी कम वक्त बचा है आपको यहां पहुंचने में। शालिनी आप गिनती शुरू कर दीजिए, 60 की उल्टी गिनती, इंडिया गेट सर्कल पहुंच चुके हैं। ये देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ से अकबर रोड लेते ही करीबन एक मिनट के अंदर ये बस जो है विज्ञान भवन आपके सामने आपको दिखेगी, पटियाला हाउस कोर्ट क्रॉस कर दिया है, लेकिन उम्मीद है काउंटडाउन शुरू हुआ है सर। आज फाइनल उम्मीद किसान नेता भी उनसे भी हम तो चाहते हैं फाइनल ही होए, हम कहाँ चाहते हैं फाइनल ना होए। राजनाथ सिंह का कोई मैसेज मिला है आएंगे नहीं आएंगे? नहीं हमें कोई मैसेज नहीं है, हमें तो कोई आज भी, हमें तो एक बंदा आके अनाउंस कर जावे, पीएम आज भी चाहे पीएम का कोई संतरी मंत्री आज भी, कोई आदमी आके कानूनों को। ये इंडिया गेट की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं, रवि जरा आप दिखाइए कि हम बस अब कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, और कुछ किसान नेता और हैं उनसे भी जान लेते हैं आज की बैठक में क्या लगता है, देखते हैं सरकार ने करना है अब तो जो करना है। और क्योंकि किसान नेताओं की तो अपनी एक ही मांग है, वो सरकार को पता ही है एमएसपी और गारंटी कानून, उस पर जो सरकार फैसला ले और इन कानूनों को रद्द करे तभी किसान इस चीज़ को मानेंगे। या तो लगातार एक सुर में हितेन हम जैसे देख रहे हैं, एक ही मांग है कि कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से हर्षा और शालिनी आप भी बता रहे थे कि जो उम्मीद लगाओ वैसा नहीं होता, कुछ उलट ही तस्वीर निकल कर आती है, तो आइए कुछ और लोगों से भी जानेंगे। लेकिन क्योंकि बस जी, तो प्रत्युष और प्रिया का भी रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह की हलचल है प्रत्युष प्रिया? देखिए राकेश टिकैत रवाना हो चुके हैं विज्ञान भवन के लिए, और कुछ ही देर में राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जब तक आपकी बस पहुंचेगी कुछ देर के बाद राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद होंगे। समय से पहले ये तमाम किसान नेता वहां पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में कि आज कुछ समाधान निकले। सरकार की तरफ से भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि वो फॉर्मूला क्या है जिस फॉर्मूले पर आज वो किसानों बहुत, को मना लेंगे। वक्त रह गया है प्रत्युष, अब वहां पर बस किसी भी वक्त पहुंचती होगी, और देखिए सबकी निगाह यही है, जब वहां बस पहुंचेगी और वो अंदर जाएंगे तो अंदर क्या टेबल चौक होती है, जब बैठेंगे किसान नेता और मंत्री एक बार फिर आमने सामने तो क्या बातचीत शुरू होती है, और कितनी देर तक ये मीटिंग चलेगी, क्योंकि कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेना वो लेकर के आ जाए कानून एमएसपी पे लिखित में देने के लिए, 10 मिनट में बात हमारी खत्म हो जाएगी।
जाएगी, लेकिन लगातार ये मीटिंग 6 घंटे 8 घंटे 7 घंटे ऐसे लंबी खिंचती चली गई है, तो आज की मीटिंग कितनी देर तक खिंचेगी? मुझे लगता है बहुत कम वक्त रह गया है, किसी भी वक्त बस जो है वो विज्ञान भवन की तरफ मुड़ती होगी, जहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान पे सीधा देखेंगे, क्योंकि बस में हमारे दो सहयोगी हैं हितेन और मल्लिका उसी बस में, तो दूसरी तरफ वहां विज्ञान भवन के बाहर हमारी दो सहयोगी हैं हर्षा और शालिनी, जो सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगी। विज्ञान भवन, बड़ी खबर आ रही है, शालिनी ओवर टू यू। बिल्कुल प्रिया, देखिए बस क्या बात पहुंचेगी, उसके पहले बड़ी खबर आ चुकी है। वो बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें, बैठक शुरू भी नहीं हुई है उसके पहले अल्टीमेटम दे दिया गया है। अल्टीमेटम मिला है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से, कहा गया है कि कृषि कानून और एमएसपी पर अगर आज बात नहीं बनती है तो फिर आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। तारीख भी बताई गई है 6 और 7 तारीख का, क्या आगे की रणनीति है ये बता दिया गया है। किसान नेता सुखविंदर की तरफ से कहा है उन्होंने कि 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और 7 जनवरी को जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मतलब हर्षा बात बनेगी या नहीं बनेगी, उसके पहले ये देखिए बस आ चुकी है। अमित, सीधी तस्वीरें आप दिखाइए, पहली तस्वीर ये किसान नेताओं के साथ बस जो यहाँ पर पहुंची है विज्ञान भवन पर, सीधी तस्वीरें जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। और शाही देखिए बिल्कुल टाइम से ठीक समय पर आई है, बस 2 बजे की वार्ता है, 1 बज रहा है, 1 बजने को और 1 बजे देखिए दोनों बसें आ गई है। और शाही देखिए हर बार जिस तरह से पुलिस की गाड़ी बैठक से पहले साफ साफ बताएंगे शालिनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बस यहाँ पर पहुंच चुकी है और देखिए सीधी तस्वीरें आप तक जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, बस पहुंच चुकी है। चुकी है और मीटिंग 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन 1 घंटे पहले बस यहाँ पहुंच चुकी है और वहां लगातार ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी मौजूद है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो आप स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं ये विज्ञान भवन की देख रहे हैं, जो बस पहुंच चुकी है किसान नेताओं की और अब वो थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। अंदर जाकर के एक बार फिर मीटिंग जो है तय समय पर शुरू होगी। प्रत्युष, 40 नेताओं को लेकर ये बस पहुंची है, राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर से वहां पर बस पहुंचने ही वाले हैं और उसके बाद फिर 2 बजे ये बातचीत शुरू होगी। थोड़ी देर में तमाम मंत्रियों के भी आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो जाएगा। जिस तरह की खबरें है ना उसमें मिंगने डाल देती है। लेकिन संधू जी एक और बात तो बताइए, अभी रणनीति पर तो कुछ क्लैरिटी दीजिए कि रणनीति आप लोग की क्या है, कैसे क्या करने वाले, आज किस पे बात करेंगे? हमारी रणनीति तो वही पहले वाली है, कानून रद्द करवाने हैं, अगर रद्द नहीं कराएंगे तो एजुकेशन और इसको बढ़ाएंगे और ज्यादा करेंगे। लेकिन एक बात जानना चाहते, क्या आज आप लोग की जो मांगे हैं वो एमएसपी और जो कानून है उस पर ही टिकी रहेगी? साफ हाँ पक्का, हमारे 3 कानून है, चौथा एमएसपी है, 4 रहते हैं। लेकिन एक और बात है संधू जी, ये बात तो क्लैरिटी सरकार ये तो क्लियर कर चुकी है कि कानून रद्द नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव देगी। अगर सरकार कोई भी ठोस प्रस्ताव देती, सरकार हमें क्या बोलती थी, ये बिचौलिए हैं, ये किसान नहीं है, जे पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए लोग हैं, आज क्या बोलती है अन्नदाता, सरकार कितना पीछे आ गई। पहले बोलती हम अन्नदाता ही मानते। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा, जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।